उमरिया के अमर शहीद स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित बांधवगढ़ शबरी महाकुंभ में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हम घोषणा नहीं, हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में सिर्फ घोषणा हुई और नारे लगाए गए, उन घोषणाओं और नारों का क्या हुआ, यह सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि घोषणा वीर न सिर्फ मध्य प्रदेश में थे बल्कि दिल्ली में भी हैं। पिछले 7 दिनों में हमने जो काम किया है वह काम आज तक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आदिवासी समाज का सर्वांगीण विकास मध्य प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी युवाओं में कुछ काम कर आगे बढ़ने की ललक है, आज का युवा काम चाहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार विज्ञापन और घोषणाओं की सरकार नहीं है बल्कि वचन पत्र पूरा करके चुनौतियों से निपटते हुए प्रदेश के विकास का नया इतिहास रचेगी। विकास के आधार कृषि विकास, नौजवानों को रोजगार, प्रदेश का औद्योगिकरण होगा। कार्यक्रम में प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ विकास मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री ओंकार सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री सचिन यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष उमरिया सुश्री ज्ञानवती सिंह, विधायक बिसाहू लाल सिंह, सुंदर लाल सिंह माको, सुनील सराफ, डॉक्टर अशोक मरसकोले, विधायक मरावी, विधायक नारायण पट्टा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, आयुक्त शहडोल संभाग जे के जैन, पुलिस उप महानिरीक्षक शहडोल जोन पी एस उइके, कलेक्टर उमरिया अमरपाल सिंह, पुलिस अधीक्षक उमरिया डॉक्टर असित यादव, पूर्व विधायक अजय सिंह, राजेश शर्मा, पूर्व मंत्री कौशल्या गौटिया, पूर्व विधायक प्रमिला सिंह, लाल बहादुर बनवासी, विश्वनाथ कोल, हिमाद्री सिंह, सुकरू कोल, जुगलाल कोल, बसंती बाई कोल सहित कोल समाज के देश भर से आए नेता उपस्थित रहे। उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट।